नालागढ़ में ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर नालागढ़ में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का शुभारंभ नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा ने किया, साथ ही इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया और नालागढ़ वासियों को स्वस्थ स्वच्छ और शुद्ध वातावरण को कायम रखने की सलाह भी दी। मैराथन नंगल से शुरू होकर नालागढ़ विश्राम गृह में समाप्त हुई। इस मैराथन में लगभग 200 से 500 लोगों ने भाग लिया। इसमें विजय रहे लड़के लड़कियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी जगदीप सिंह भी उपस्थित रहे। आज का जो ये कार्यक्रम था, हमारे युवा कांग्रेस जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है योगेश्वर सिंह राणा जी और हमारे पंजाब से यहाँ से आए प्रभारी, और यहाँ पर आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले तो प्लांटेशन की गई, पेड़ लगाए गए और उसके बाद मैराथन जो है रेस का जो आयोजन किया गया। और आज ही जो हमारे नौजवान जिन्होंने इस मैराथन रेस में भाग लिया है, जो कि बहुत सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी इसमें शरीक हुए, और आज ही हम जो है हॉस्पिटल जो हमारा नालागढ़ है इनमें जो है फल भी जो है बांटे जाएंगे। और आज यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी हमारे यूथ के यहाँ पर आए, उन्होंने जो हमारे नौजवान साथी जिन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया उनको संबोधित भी किया, और यूथ में जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनकी नीतियाँ और राहुल गांधी जी के जो उनका जो परिचय है, और राहुल गांधी जी जिस ढंग से उन्होंने हमारे इस भारतवर्ष की जो है सेवा कर रहे हैं, चाहे एमपी के रूप में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उनकी जो जानकारी है हमारे जो प्रभारी यहाँ पर आए यूथ के और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के जो प्रधान हैं उन्होंने यूथ को याद दी है। मुझे लगता है कि इससे जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारी युवा ब्लॉक कांग्रेस है, वो एक सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, और आने वाले समय में जैसे कि 2019 में जो है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका जो है हमारा यूथ नालागढ़ का जो है अदा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं जगदेव सिंह गागर, प्रभारी हिमाचल युवा कांग्रेस। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के 49वें जन्मदिन पर यहाँ की विधानसभा नालागढ़ के विधानसभा जोगेश्वर सिंह राणा निकले मोंटी के अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ, सेफ फॉर डेमोक्रेसी, सेफ फॉर वुमेन, सेफ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, उसके तहत आज उनका जन्मदिन मनाया गया श्री राहुल जी का, और लोगों को मैसेज दिया गया कि आज डेमिक लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। आज अनएम्प्लॉयमेंट लोग लड़के जो मोदी जी ने नारा दिया कि 2 करोड़ हर साल मैं रोजगार दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट लड़कों की लड़ाई लड़ने की है, और औरतों पर जो लेडीज़ पर हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में हमने एक मैराथन का आयोजन किया। उससे पहले हमारे यहाँ के विधायक श्री राणा जी की अध्यक्षता में एक प्लांटेशन का पौधा लगाकर हमने इसकी शुरुआत की। इसके बाद हमने हमारे देश में पिछले 4 सालों से, क्योंकि हमारे मोदी जी ने अच्छे जुमले लगाए थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन पिछले 4 सालों से हमारे देश के बहुत ज़्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं, और राहुल जी के जन्मदिन पर एक शहीद जो हमारे एक फौजी ने सैनिक ने अपने ड्यूटी के दौरान गोलियां खाई, आज उनको इनकी अध्यक्षता में उनको सम्मानित किया गया और उनको सल्यूट किया गया, ताकि आर्मी फौज में सैनिकों में अच्छा संदेश जाए। ये हमारा आज का प्रोग्राम आज जो नालागढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय प्रोग्राम नालागढ़ में रखा गया, सबसे प्रथम मैं प्रभारी गागा जी और मनीष ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम का उद्देश्य था वो राहुल गांधी जी के जन्मदिन को
हम कैसे पर्यावरण से जोड़ते हुए, कैसे युवाओं से जोड़ते हुए और कैसे असहाय गरीबों की सहायता करते हुए मनाई, इस को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये प्रोग्राम नालागढ़ 9 बजे से शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने प्लांटेशन करवाई, जिसमें हमारे प्रभारी जी जगदेव गागा जी मौजूद रहे, हमारे एमएलए लखविंदर सिंह राणा जी मौजूद रहे और जितने भी हमारे युवा साथी थे, हमारे साथी विधानसभा से क्षेत्र से आए हुए लोग सब यहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद हमने प्लांटेशन के बाद हमने जो मैराथन रेस है वो शुरू करवाई। मैराथन रेस जो होटल बुहार नंगल से शुरू होकर के नालागढ़ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक आई। उसके बाद हमने जो हमारे शहीद परिवार थे उनको सम्मानित कराया। उसके बाद अब हमने फल वितरित जो नालागढ़ हॉस्पिटल में करने हैं, ये हमारा अगला कार्यक्रम है। मैं सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और युवा कांग्रेस की टीम का पुरजोर धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये हमारा साथ दिया और हमारा जो कार्यक्रम है पूरा सफल बनाया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।